हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं, हम हिंदी वाला वर्जन इंग्लिश भी कर ही रहे हैं पैरेलल। फिलहाल हिंदी वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं। हमारा चैप्टर जो है फिलहाल चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन, जिसका हम कर रहे हैं पार्ट ए। ठीक है, ऑल ओवर देखा जाए तो ये नम्मा पार्ट है, 8 पार्ट अब तक आ चुके हैं। ठीक है, तो 8वें पार्ट तक के पोर्शन जो है वो आई होप आपने अच्छी तरीके से देख लिया है, समझ लिया है क्या बेसिक है, वो जान भी लिया है। शुरू करेंगे हमारे इस पार्ट को, 9वें पार्ट को। तो 9वें पार्ट में पहला सवाल क्या है, ये आ गया आपके सामने, फटाफट से इसको देखें और ट्राई करें। तो सवाल हमें ये कह रहा है कि एक 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। एक मिश्रण है, उसमें दो चीजें हैं, एक तो है मिल्क, एक है वाटर। किस रेशियो में है, तो यह है 5:2 के रेशियो में। किस रेशियो में है, 5:2 के रेशियो में। 5 और 2 कुल मिलाकर कितने होते हैं, 7, लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर 7 नहीं है, एक्चुअल में कुल मिलाकर कितना है, 35। ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पहले, अभी तक मैंने ये 5 लीटर दूध ऐड नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो की हेल्प से एक्चुअल क्वांटिटीज क्या है ये पता कर रहा हूँ। तो 7 से 35 कैसा आया, 5 गुणा करने पर, तो 5 गुणा कर लो कितना हो जाएगा, 25, और इसका भी 5 गुणा कर लो कितना हो जाएगा, 10। ये मिल्क और वाटर की एक्चुअल क्वांटिटी मैंने निकाल दी। अब इसमें क्या कर दिया, 5 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया, तो 5 लीटर और मिल्क ऐड कर दो, पहले 25 था, 5 और ऐड कर दो, 25 और 5 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और वाटर कितना है, 10 है, तो यहाँ पे लिख लो 10। 10 से काटोगे 3 बार में कट गया, 10 से काटोगे 1 बार में मिल गया, तो नया रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया, 3:1, यानी ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल है, मिक्सर एलिगेशन का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट काम आते हैं, इसलिए इस चैप्टर में भी इसके सवाल दिए दिए जाते हैं। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन वाला चैप्टर और रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर, दोनों ही चैप्टर भाई बहन है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन दोनों आपस में चैप्टर जो है ना इंटरलिंक्ड। ठीक है, अब ये सवाल देखो, जैसे ये भी मिक्सर का सवाल है, रेशियो प्रोपोर्शन में दे दिया, तो 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। ये कह रहा है कि 2 मिश्रण है आपके पास, एक है ए एक है बी, दोनों में मिल्क वाटर है, इसमें मिल्क वाटर 5:3 में है और इसमें मिल्क वाटर 2:3 में है, तो सही है क्या। आगे कह रहा है कि आप इन दोनों को किस रेशियो में मिलाओ ताकि जो नया मिश्रण मिलेगा उसमें आधा दूध हो और आधा पानी हो, मतलब दोनों ही आपस में इक्वल हो, मतलब 1:1 हो। आई बात समझ में, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एलिगेशन यूज करना है, और ये जो रेशियो है ये आपको ज्ञात करना है कि भाई ए और बी की, ए की कितनी मात्रा लूँ, बी की कितनी मात्रा लूँ, उनका अनुपात क्या रखूँ, ये आपको ज्ञात करना है। अब ये सवाल रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर दिया है, लेकिन मैंने मिक्सर एलिगेशन में भी ऐसे सवाल आपको करवाए हैं, तो अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है पूरा और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, तो मिक्सर एलिगेशन चैप्टर आप जरूर देखना। फिलहाल मैं यहाँ पर उतना ही करूँगा जितनी यहाँ पर मुझे जरूरत है। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन वाला चैप्टर आप डिटेल में पूरा अगर चाहते हैं समझना तो वो जरूर देखें। फिलहाल इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सवाल को मैंने वहां पर कैसे आपको सॉल्व करना बताया था कि ये मिल्क का रेशियो वाटर के साथ है, ये भी मिल्क वाटर है, ये भी मिल्क वाटर है, तो ऐसे सवाल को आप या तो बाई मिल्क लेकर सॉल्व कर लो या फिर आप बाई वाटर लेकर सॉल्व कर लो, एक ही बात है, एक ही आंसर मिलेगा। कैसे, तो जैसे मान लो मैं बाई मिल्क लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका जैसे क्या मतलब होता है, तो आप देखो कि कुल मिलाकर ये मिश्रण कितना है, 8 है, उसमें से मिल्क कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख लो 8 में से 5 मिल्क, बाई मिल्क कर रहा है ना, इसलिए मैं मिल्क की क्वांटिटी देख रहा हूँ। कुल मिलाकर ये कितना है, देखो 5 है, इसमें से मिल्क कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख लो 2। उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे, कुल मिलाकर ये कितना है, देखो 2 है, उसमें से मिल्क कितना है, 1 है, यहाँ पर ये लिख लो 1। आई बात समझ में, अब आपको इस रेशियो को करना है सॉल्व और क्या है इसका आंसर ये आपको पता लगाना है। अब ये फ्रैक्शन से बिल्कुल भी नहीं डरना है, यहाँ पर फ्रैक्शन को हटाना मैं अच्छी तरीके से आता है, इनका जो भी एलसीएम है आप गुणा करा दो, 8, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 40 होता है, तो 40 से गुणा करा लो, इसको भी 40 से गुणा करा लो, इसको भी 40 से गुणा करा लो, और इसको भी 40 से गुणा करवा लो, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, 8 से काटोगे तो 5 बार में कट गया, 5 × 5 कितना हो गया, 25। उसके बाद 5 से काटोगे तो 8 बार में कट गया, 8 × 2 कितना होता है, 16, यहाँ पे लिख दिया, और 2 से काटोगे तो 20 बार में तो कट ही रहा है, यहाँ पे लिख दिया 20। ये एलिगेशन आपको सॉल्व करना है, देखो तो 25 में से 20 जाएगा तो 5 आ गया, और 20 में से 16 जाएगा तो 4 आ गया, तो 4:5 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। आई बात समझ में, आई होप आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गई है, क्या कॉन्सेप्ट है बाई मिल्क, आप इसको बाई वाटर लेकर भी सॉल्व करते हो, बाई वाटर में हम क्या करते हैं, 3/8, फिर वहां पर हम रखते हैं 2/5,
और फिर यहाँ पर हम बीच में रखते हैं 1/2, इस पर इस प्रकार से डेलीगेशन को सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर निकाल देते हैं। आई बात समझ में? इसमें कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि आपको किस रेशियो में इन दोनों कंटेनर्स को ले रहे हो, ये पहले से गिवन होता है। आपको पूछेगा फिर कि जो नया मिश्रण बन रहा है उसमें मिल्क वाटर किस रेशियो में, तो हमने ऐसे सवाल भी कर रखे हैं, ठीक है। तो आप इसलिए मैं कह रहा हूँ डिटेल अगर आपको समझना है कि और हमें थोड़े सवाल देखना है आपको देखना है, तो मिक्सर एलिगेशन वाला जो चैप्टर मैंने करा रखा है वो पूरा पूरा जरूर देखना, साथ ही साथ इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल में भी ये चैप्टर सारे के सारे देख लेना, ठीक है। अच्छी खासी प्रैक्टिस जाएगी। जैसे ये सवाल है आपके सामने, मैं बिल्कुल इसी सवाल की बात कर रहा था, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 3 बराबर ग्लासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण 3, 4, 4, 5 और 5, 6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट कर दिया जाता है, तो नए मिश्रण में स्पिरिट का पानी के साथ अनुपात क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। इसी सवाल की बात कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों कंटेनर का रेशियो दे रखा है, टोटल कैपेसिटी का रेशियो दे रखा है। देखो ये दे रखा है ना, 3 बराबर गिलास है, मतलब इनडायरेक्टली इसने कह दिया है कि तीनों गिलासों का जो टोटल कैपेसिटी है वो 1:1:1 है, ये पहले से गिवन है। तो कह रहा है इनको मिक्स करोगे तो तीसरे कंटेनर में मिल्क वाटर का क्या रेशियो होगा, उल्टा सवाल बन गया, ठीक है। तो अब टाइप क्लियर होनी चाहिए आपकी कि जब रेशियो पूछ ले कौन सा मिश्रण में दोनों कंपाउंड्स का तो क्या करना है, या फिर आपको पूछ ले दोनों कंटेनर्स को किस रेशियो में मिला है तो क्या करना है, टाइप का क्लियर होना जरूरी है। अब सिलाली सवाल पे आता है, जैसे 3 कंटेनर की बात कर रहा है, 1, 2 और 3। पहले कंटेनर में रेशियो क्या है, 3:4 है। दूसरे कंटेनर में रेशियो क्या है, 4:5 है। और तीसरे कंटेनर में रेशियो क्या है, 5:6 है। ये कुल मिलाकर 7 बता रहा है, ये कुल मिलाकर 9 बता रहा है, और ये जो है कुल मिलाकर 11 बता रहा है। हम क्या करेंगे, सबको इक्वल बनाएंगे, क्योंकि ये सवाल में क्या इनडायरेक्टली भी तो कह रहा है तीनों गिलासें बराबर है, तो तीनों गिलासों की टोटल कैपेसिटी बराबर तो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये 7 लिखा है, यहाँ पर ये 9 लिखा है, ये 11 लिखा है, तीनों बराबर कहाँ है, वे तो बराबर करने पड़ेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करो, इन सबको 7 × 9 × 11 बना लो, क्योंकि इन सब का एलसीएम कितना होता है, 7 × 9 × 11 होता है। तो ये सब बना लिया मैंने, यहाँ पर भी ये क्या होता है, देखो 7 × 9 × 11 होता है, इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। देखो जब भी आप किसी रेशियो को छेड़ते हो तो आपको पूरा रेशियो छेड़ना है। जैसे मैंने 7 को ये लिखा है, तो ये कैसे लिखा है, 9 × 11 करने पर लिखा, तो फिर आपको इस पूरे रेशियो को छेड़ना पड़ेगा, आई बात समझ में, यानी 99 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 3 × 99 कितना मिलेगा, तो 3 × 99 यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, तो डायरेक्ट फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 197, लेकिन बाद में लिखेंगे हम 99 × 4 अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर पहले एक बार यूँ ही लिख देते हैं, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 99 सही है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपने किससे गुणा किया, 77 से, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 4 × 77, और इसको हम लिखेंगे 5 × 77। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने किससे गुणा किया, 63 से गुणा किया, तो इसको 63 से गुणा कर लो, 5 × 63, और ये कितना मिल जाएगा, 6 × 63। अब जो इक्वल क्वांटिटी है तीनों कंटेनर की वो हमने कर दी। अब क्या कर रहा है, इन तीनों मिश्रण को मिलाकर एक नए पात्र में खाली कर रहा है, तो स्पिरिट का वाटर के साथ क्या रेशियो होगा, तो कुछ नहीं, अब इन सबको एक कंटेनर में जब आप डालोगे तो ये जो स्पिरिट है वो स्पिरिट सारे जोड़ लो, जैसे ये एक स्पिरिट है और एक ये वाली स्पिरिट है, इन सब स्पिरिट्स को जोड़ लो, तो हम गुणा करके लिखेंगे, 99 × 3 जब आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 297 मिल जाएगा, 300 में 3 का मैं बस यही था। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 77 × 4 करेंगे, तो 70 × 4 करोगे तो 280 और ये 28 और जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 308 आ जाएगा, देखो सही है क्या। उसके बाद इनका गुणा कराना है, तो 300 और फिर 15 और जोड़ लो, 315 आ जाएगा, ये हो गया सारा स्पिरिट। और फिर इस तरफ लिख देंगे हम वाटर, तो वाटर देखो ये 99 × 4 यानी 400 में से 4 घटा लो तो कितना आएगा, 396 आएगा, यहाँ पे लिख लो। फिर इन दोनों का गुणा कराना है, तो 7 × 5 = 35 यानी 350 और 35, 385 हो जाएगा, देखो सही है। और फिर 63 × 6 करना है, तो कितना हो गया, पहले 60 × 6 कर लो, 360, फिर 18 जोड़ लो, 378, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 378। इस प्रकार से कैलकुलेशन हमने कर ली सारी की सारी। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, एग्जाम्स के अंदर कैलकुलेशन का फास्ट होना भी उतना ही जरूरी है जितना आपके सारे के सारे चैप्टर क्लियर है, जितना आपके चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर है, क्लियर। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी टाइम टू टाइम करते रहो, सारे के सारे टेबल याद कर लो, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, आप स्क्वायर और क्यूब निकालना चाहते हो फास्ट निकालना, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप कमेंट, आप तो वहाँ पे ही लिख दो सर्च बॉक्स में कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, या फिर स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालना है फास्ट, चैनल पे भी सर्च कर सकते हो, या सर्च में लिखोगे तो भी आपको शायद मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये फास्ट कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। अब इनको जोड़ लो फटाफट से, इन सबको जोड़ लो,
तो 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 8 आपका हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, यहाँ पे लगा लो 2, 9 और 2 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, यहाँ पर आ जाएगा 1, और फिर ये कितना हो जाएगा 9, 920, और 920 करके केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बाकी फिर चाह के क्यों करना, ठीक है। और आप चाहो तो इन सबको जोड़ भी सकते हो, जोड़ेंगे तो कितना हो गया देखो, 8 और 6 14 और 5 9, सही है, 14 और 5 19 का 9, एक चला गया आगे 10 और 8 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, यहाँ पर आ गया 2, 9 और 2 कितने हो गए 11, 1159 आ गया, क्लियर है, आई होप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया है। मिक्सर एलिगेशन का सवाल है तो थोड़ा और डिटेल समझना है तो मिक्सर एलिगेशन जरूर देखना। आगे बढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला सवाल है हमारे पास, ये है 102 नंबर सवाल, देखो क्या कह रहा है, ये भी मिक्सर एलिगेशन का सवाल है, अच्छी तरीके से पहले आप ट्राई खुद करें फिर यहाँ पे समझें। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा जिनमें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, मतलब दो धातुएं हैं मिश्र धातुएं, उसमें सोना और तांबा, तो दोनों के इंडिविजुअल इंडिविजुअल अनुपात आपको दे रखे हैं, इन दोनों धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरे मिश्र धातु बनाई जाती है सी, तो सी में सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, 5:3 है एक में 5:11 है, कुल मिलाकर देखो 8 हो रहा है, कुल मिलाकर देखो 16 हो रहा है, क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, लेकिन सवाल तो कह रहा है कि दोनों को समान मात्राओं में लेकर मिला जाए, समान मात्रा करो फिर, तो ये 8 है ये 16 है, इसको 16 बना ले हम, दोनों फिर 16 16 हो जाएंगे, डबल किया तो इसका डबल करो फिर 10 हो गया, इसका डबल करो ये कितना हो गया 6, अब सोने में सोना जोड़ लो और तांबे में तांबा जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा 10 में 5 जोड़ लो कितना हो गया 15, और 6 में 11 जोड़ लो कितना हो गया 17, तो 15:17 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। आई बात समझ में, तो ये हमारा सवाल है, आई होप आपको यहाँ तक सारे सवाल समझ में आ गए हैं, अब आगे के जो सवाल है वो हम करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर, आप बने रहें, एक एक वीडियो देखें, एक एक सवाल मेरे साथ साथ सॉल्व करें, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर।